अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्म शांतो ब्रह्म कल्पते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के अठारहवें अध्याय का तरेपनवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है अहंकार बलम दर्पम अर्थात अहंकार बल घमंड कामम क्रोधम परिग्रहम अर्थात काम क्रोध के बंधन से विमुच्य निर्मह शांतो अर्थात मुक्त होकर मेरेपन से रहित शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात ब्रह्म होने के योग्य होता है तो श्री कृष्ण अब अंत में कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति वह है जो कि अहंकार बल घमंड काम और क्रोध के बंधन से मुक्त सदा शांत और मेरेपन से रहित रहता है तो अब यहाँ पर जो कुछ गुण बताए हैं श्री कृष्ण ने जैसे कि अहंकार बल घमंड काम और क्रोध ये सभी जो गुण होते हैं इनकी उपस्थिति हमारे भीतर हो यदि तो इसका अर्थ यह ही है कि हमने अभी स्वयं के मन को शुद्ध नहीं किया है और जब तक हमारे मन में अहंकार है जब तक हमारे मन में ये भाव है कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि से पृथक एक स्वतंत्र इकाई हूँ तब जब तक हमारे अंदर ये भाव है तब तक जो है हमारे भीतर ये सभी जो गुण हैं रहेंगे ही रहेंगे और अहंकार जो है उसके द्वारा मेरेपन का भाव भी रहेगा क्योंकि अहंकार ही है जो कि ये सोचता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है और इसे मुझे मेरा बनाना है क्योंकि जो अहंकार के पले चला गया उसके लिए तो संपूर्ण सृष्टि उसकी ही है किंतु जो अहंकार तक अभी सीमित है उसके भीतर ये मेरेपन का भाव रहेगा कि अरे ये मेरा है और ये जो है ये मेरा नहीं ये किसी और का तो ये जो भाव है ये भी अहंकार के द्वारा ही आता है तो हमारे जीवन की जितनी भी जटिलताएं होती हैं ये वास्तव में इस ही भाव के कारण होती हैं मेरेपन के भाव के कारण होती हैं तो ये जो मेरेपन का भाव है इसी के स्वरूप हमारे भीतर घमंड काम और क्रोध जैसे गुण जो हैं वो उत्पन्न होते हैं जो मेरा है उसके लिए मुझे लगता है कि अरे वाह ये मेरा है तो उसका घमंड मेरे भीतर आ जाएगा जो मेरा नहीं है उसे पाने की कामना मेरे भीतर आ जाएगी और जब मैं जिसे पाना चाहता हूँ वो यदि मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ तो तब मेरे भीतर क्रोध की भावना उत्पन्न होगी तो ये घमंड काम क्रोध इनके बंधन जो होते हैं ये उत्पन्न ही इसलिए होते हैं हमारे लिए क्योंकि हम अपने अहंकार से तादाद में कर लेते हैं हम स्वयं को ब्रह्म के साथ में नहीं जोड़ पाते हैं हम स्वयं को केवल अपने अहंकार के साथ में जोड़ लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में तो ये संपूर्ण सृष्टि ही मेरी है तो ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य जो व्यक्ति होता है वह अहंकार की भावना को नष्ट कर देता है उसके लिए अहंकार की भावना को नष्ट करना अनिवार्य होता है और ऐसा जो व्यक्ति होगा जो कि अहंकार की भावना को नष्ट कर देगा वह ही ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्रह्मांड के साथ में एक होने के लिए स्वयं का विस्तार कर चुका है अर्थात तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं ही मानता है और जब वह संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं का ही मानेगा तो फिर उसके लिए क्या मेरा और क्या तेरा सब कुछ मेरा ही है और सब कुछ सबका ही है तो होता क्या है कि व्यक्ति जो इस प्रकार से जान लेता है वह कुछ नहीं हो जाता है और कुछ नहीं होकर के सब कुछ हो जाता है वह प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और जागरूकता से जागरूकता की इस स्तर पर व्यक्ति जो होता है वह काम क्रोध और अभिमान और मेरेपन से मुक्त हो जाता है क्योंकि सब कुछ मेरा ही है और कुछ भी मेरा नहीं है दोनों ही हो जाते हैं क्योंकि न मैं कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ इस प्रकार से हो जाता है अब होता क्या है कि आरंभ में ये जो जागरूकता होती है ये जो चेतना होती है कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं सब कुछ हूँ यह केवल सीमित समय तक रह पाती है ऐसा नहीं कि ये पूरे समय हमारे साथ में रहें केवल कुछ समय के लिए व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्म के साथ में एक हो पाता है और फिर अन्य समय ऐसे होते हैं जबकि उसे वह पुनः अपने अहंकार के प्रभाव में आ जाता है किंतु तो यदि व्यक्ति अभ्यास करे तो फिर ये भाव जो होता है ये स्थायी हो जाता है और मृत्यु के समय यदि व्यक्ति इस भाव में रह सके तो फिर व्यक्ति जो होता है वह मुक्त हो जाता है क्योंकि वह फिर किसी भाव के बारे में विचार नहीं करता वह केवल ब्रह्म के भाव में ही रहता है स्वयं में स्थिर ब्रह्म के भाव में रहकर, जब वह मृत्यु के समय रह पाएगा तो फिर वह ब्रह्म के में ही विलीन हो जाएगा तो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके लिए अनिवार्य है कि वह अहंकार के परे जा सके वह बल घमंड काम और क्रोध के बंधन से मुक्त हो जाए और मेरेपन से मेरेपन के भाव से रहित रहे मेरेपन के भाव से रहित रहेगा तो शांत भी रहेगा क्योंकि फिर सब कुछ तो वह ही है तो फिर क्या प्राप्त करना कहाँ भागना क्या करना सब कुछ तो अपना ही है तो शांत भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति और जब वो इस प्रकार से होता है तो ब्रह्म के साथ में जुड़ने के लिए वह योग्य हो जाता है तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण था आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते